Good morning students. Now today is the last session for the chapter surface chemistry, and what are the objectives for the today's session? We are going to learn about the coagulation value or flocculation value, and then we will study about the application of colloid emulsion. So these are the three main topic about which we are going to learn today. So first of all, we are starting from the topic coagulation. Bachcho, coagulation kya hai, iske bare mein aapne padha hai कि आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कोगुलेशन को. कोगुलेशन क्या है? कोगुलेशन, यू मे राइट इट, आपने पिछले दिन पढ़ा भी था कि कोगुलेशन इज डीस्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड. कोलाइड का डीस्टेबलाइजेशन है. कोलाइड का डीस्टेबलाइजेशन करने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया न्यूट्रलाइजिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ कोलाइड पार्टिकल. यानी कि जो कोलाइड पार्टिकल है या जो सोल है उसका जो चार्ज पार्टिकल है उसको न्यूट्रलाइज करना है. ठीक है ना बच्चों? और जब आप ये करते हो तो ऑब्वियसली क्या होता है, वी गेट जस्ट द प्रेसिपिटेशन. इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन थ्रू इंड्यूस्ड aggregation, through induced aggregation by the addition of suitable electrolyte, and this process is called coagulation. So coagulation is also called flocculation. यहाँ पर एक और term use हुआ flocculation. Flocculation means it refers to the process by which fine particles are caused to clump together. ये एक प्रोसेस है. फ्लोक्यूलेशन मीन्स क्या है? जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको क्लम्प किया जाता है टुगेदर इनटू ए फ्लोक. क्लम्प टुगेदर इनटू ए फ्लोक. इज इट क्लियर? तो ये आपको मीनिंग हो गया कोगुलेशन का और फ्लोक्यूलेशन का. ओके, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या होती है. तो कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू का मतलब है मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो कि आपको न्यूट्रलाइज करेगा डिस्पर्स्ड फेज के चार्ज को, उसका जो मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड फ्लोक्यूलेशन वैल्यू और कोगुलेशन वैल्यू. इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. जिस इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब है उतना ज़्यादा एफिशिएंट फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट है. ओके, सो नाउ एजेंट. ओके, सो नाउ देर आर सम इलेक्ट्रोलाइट्स, NaCl, इट्स फ्लोक्यूलेशन वैल्यू इज 51, और अगर आप कंपेयर करो एल्युमिनियम नाइट्रेट से इट इज़ 0.095. तो आपको कल भी हमने बताया था कि जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली वो ज़्यादा, हाइड एक्सक्लूज रूल को याद करें, वैलेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी जो कैपेसिटी होती है डिस्चार्ज करने की वो ज़्यादा होती है. तो एल्युमिनियम नाइट्रेट में देखो बच्चों, एल्युमिनियम जो है वो 3+. तो अगर किसी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट को, सोल को, अगर इसको डिस्चार्ज करना हो तो सबसे ज़्यादा इफिशियंट कौन होगा? एल्युमिनियम नाइट्रेट होगा. क्यों? क्योंकि इसका फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या है बच्चों? बहुत कम है. NaCl का सबसे ज़्यादा है तो ये देखो इसका कम होगा. इसी तरीके से अगर मान लो सोल आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उस केस में देखो MgSO4, यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? +2. तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या होगा? हाईली इफिशियंट है. मैग्नीशियम सल्फेट हाईली इफिशियंट है क्योंकि इसका फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या है? बहुत कम है.
इज इट क्लियर? तो जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए फ्लोकुलेशन वैल्यू कम होगा उसकी इफिशियंसी, फ्लोकुलेटिंग इफिशियंसी और कोगुलेशन इफिशियंसी क्या होगी बच्चों? बहुत ज़्यादा होगी। सो दिस इज द मेन रिलेशन, कोगुलेशन वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग पावर। ओके, सो नाउ फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। हमने पढ़ा था प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, जहाँ आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से प्रोटेक्टिव कोलाइड्स में किस प्रकार से एक लायोफोबिक सोल को हम प्रोटेक्ट करने के लिए वी यूज लायोफिलिक सोल। सो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स की जब बात करते हैं तो एक टर्म यूज होता है गोल्ड नंबर, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली गोल्ड नंबर इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, बट इन कॉम्पिटिशन दिस टर्म इज मेनली आस्क्ड। सो द फिनोमेनन ऑफ प्रिवेंटिंग द कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल, चूंकि लायोफोबिक सोल जो है उसमें कहीं ना कहीं एक रिपल्सन का फोर्स लगता है डिस्पर्सन मीडियम में, तो उस लायोफोबिक सोल को कोगुलेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लायोफिलिक सोल को ऐड करते हैं। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड मीन्स प्रिवेंटिंग द कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल ड्यू टू द एडिशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। नाउ जो डिफरेंट लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं ऑब्वियसली उनकी प्रोटेक्टिंग पावर क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। और किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड का यानी किसी भी लायोफिलिक कोलाइड्स की प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, इट इज़ गिवेन, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। एक्चुअली गोल्ड नंबर क्या बताता है, गोल्ड नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि एक्चुअल में किसी भी लायोफिलिक सोल का प्रोटेक्टिव नेचर फॉर अ लायोफोबिक सोल कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी है, ठीक है ना, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, ये हमें गोल्ड नंबर से पता चलता है। तो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द गोल्ड नंबर। सबसे पहले इस टर्म को सिग्मोंडी ने दिया था, इंट्रोड्यूस द टर्म गोल्ड नंबर, और उसने कैसे डिफाइन किया, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि गोल्ड नंबर एक्चुअली में क्या है, इसको हमें देखना है। तो गोल्ड नंबर, नाउ लेट अस लर्न दिस डिफिनेशन, वेट ऑफ द ड्राइड प्रोटेक्टिव एजेंट इन मिलीग्राम, यानी अगर जो आपने प्रोटेक्टिव एजेंट आपका यहाँ पर क्या होगा, वो होगा लायोफिलिक सोल। तो जो लायोफिलिक सोल आप ले रहे हैं उसका कितना वेट, और वो भी वेट का यूनिट क्या है, मिलीग्राम में, जिसको आप ऐड करोगे, किस में ऐड करोगे, 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल में, यानी कि स्टैंडर्ड गोल्ड सोल का कितना अमाउंट लेना है, 10 ml, और इट जस्ट सफिशियंट टू प्रिवेंट अ कलर चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। अब ये गोल्ड सोल का बच्चों कलर कब चेंज होता है, गोल्ड सोल का कलर रेड से ब्लू में चेंज होता है जब 1 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन, 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हम उसमें डालते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोटेक्टिव सोल लिया और उस प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के थ्रू का कितना मिलीग्राम आपको लेना पड़ा, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड गोल्ड सोल का जो 10 ml होगा उसके कलर को रेड से ब्लू चेंज होने पर प्रिवेंट करेगा, कब, जब हम 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन उसमें डालेंगे, और वो भी 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का कितना ml यूज करना है, 1 ml यूज करना है। इज इट क्लियर? यानी कि हमें लेना है मिलीग्राम में लायोफिलिक सोल, स्टैंडर्ड गोल्ड का सोल कितना लेना है, 10 ml लेना है, और उसमें क्या ऐड करना है, 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जैसे आप 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करोगे उसका कलर चेंज होगा, आप लायोफिलिक सोल का अमाउंट बढ़ाते जाइए मिलीग्राम में, जिस अमाउंट पर यह कलर चेंज रुक जाएगा दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव क्लोराइड। ओके, नाउ सी हियर कैसे होता है, ये आपको लायोफोबिक पार्टिकल है और उसके चारों तरफ देखिए लायोफिलिक पार्टिकल्स जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिंग पार्टिकल्स के रूप में आ गए। नाउ सी व्हाट हैपेंस, स्मॉलर द गोल्ड नंबर, अगर मान लीजिए गोल्ड नंबर कम है इसका मतलब है कि बहुत ही कम अमाउंट में आपको वो प्रोटेक्टिव कोलाइड चाहिए, इसका मतलब है उसका प्रोटेक्टिंग नेचर या प्रोटेक्टिंग पावर जो हाई है, तो ये रेसिप्रोकल नेचर हो गया किसके बीच में, गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव पावर का। अब इसमें एक एग्जांपल यहाँ देख लो, जैसे जिलेटिन का
0.005 टू 0.01 है। सोडियम कैसिनेट का ये गोल्ड नंबर वैल्यू दी गई 0.01 है, इसका 0.003। तो जिसका कम है, जिलेटिन का कम है, तो ऑब्वियसली जब जिलेटिन का बच्चों कम है तो जिलेटिन इज जो हाइड्रोफिलिक्स आपको सब्सटेंस है ये सबसे अच्छा आपको प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा। तो कंपेयर करने के लिए जिस प्रोटेक्टिव कोलाइड की गोल्ड नंबर वैल्यू कम होगी, लेस होगी, उसका प्रोटेक्टिव पावर हाई होगा। और गोल्ड नंबर हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हाउ मच मिलीग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव कोलाइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कलर चेंज ऑफ 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल व्हेन द एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन इज देयर। ओके, तो गोल्ड नंबर सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पिछले टॉपिक्स की कुछ बात थी बच्चों। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है कोलाइड से रिलेटेड, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड। कहाँ बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। सबसे पहला प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। एलम में देख लीजिए, जो भी आपको पार्टिकल्स होते हैं वो प्योरीफाइड हो जाते हैं, एलम के साथ आके एड्जॉर्ब हो जाते हैं। कोलाइडल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दें, जैसे आपको देख लो एर्जीरोल सिल्वर सोल होता है जिसको आई लोशन में यूज किया जाता है। एंटीमनी कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, कोलाइडल ऑफ एंटीमनी काला जार की क्यूर में यूज होता है। कोलाइडल ऑफ गोल्ड इज यूज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जहाँ पे कोलाइडल मेडिसिन, यानी कि कहीं ना कहीं कोलाइडल पार्टिकल के साइज के रूप में दिस मेडिसिन आर वर्किंग। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, अगर स्मोक आप जानते हो जिसमें गैसेस मिक्सचर होता है, उसमें बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जैसे कार्बन होता है, आर्सेनिक होता है, इसके कंपाउंड्स होते हैं, तो क्या करना है चिमनी से पहले, स्मोक चूँकि चिमनी से बाहर है, उससे पहले उसको एक चैम्बर में हम पास करते हैं। और उस चैम्बर के अंदर क्या होता है, चार्ज अपोजिट चार्ज के दो प्लेट्स लगे होते हैं। और वो स्मोक पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स हैं दोज पार्टिकल्स विच आर कमिंग थ्रू द स्मोक्स, वो क्या होगा, वो जो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होंगे वहाँ पे पहुँच के अपने चार्ज को लूज कर देंगे और गेट प्रेसिपिटेट। जैसे उसका चार्ज लूज होगा वो प्रेसिपिटेट का रूप ले लेगा और वो धीरे धीरे पार्टिकल्स क्या होगा बच्चों, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा और इस तरह से वो चिमनी से बाहर आने से बच सकता है, उसको हम रोक सकते हैं। और इस तरह का जो प्रेसिपिटेटर होता है उसको हम कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर के नाम से जानते हैं। यू कैन सी द इमेज ऑफ कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर हियर। आप यहाँ देख लो, यहाँ से स्मोक जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब स्मोक जाएगा, हाई वोल्टेज हमारे यहाँ पर अप्लाइड किया गया है, इलेक्ट्रोड वोल्ट 330,000 वोल्ट्स का है। देखिए जब यहाँ पर जैसे ही स्मोक इधर से जाएगा वो अपना चार्ज यहाँ पर डिस्चार्ज कर लेगा और वो नीचे में यहाँ पर प्रेसिपिटेट के रूप में, एस के रूप में बैठ जाएगा, बाकी गैसियस गैस वो बाहर निकलेगा। इसमें क्या आपको जो पार्टिकल्स डिस्चार्ज होगा वो उनसे फ्री होगा, वो हेयर इट इज रिटन कार्बन पार्टिकल, इसका मतलब है कार्बन पार्टिकल डिस्चार्ज होकर वहाँ पर गैस स्मोक से अंदर ही रह गया, क्योंकि स्मोक में क्या होता है बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स बाहर आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मेथड है जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके और उसके जो उसके अंदर स्मोक के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उसको हम प्रेसिपिटेट का रूप दे दें। टैनिंग बच्चों, टैनिंग क्या होता है, इट इज़ हार्डनिंग ऑफ लेदर। जो लेदर होता है एनिमल स्किन से बनता है उसकी हार्डनिंग की बात इसमें की जाती है। एक्चुअल में टैनिंग क्या है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टूड द टर्म टैनिन क्या होता है। ये एलोइस और ब्राउनिस बीटर टेस्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। और यह कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन सम गॉल्स और बार्क्स एंड अदर प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ गैलिक एसिड, गैलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो अब टैनिंग में क्या करना है, आपको हार्डनिंग ऑफ लेदर करना है, ठीक है ना। टैनिन को और आप ऐसे कह सकते हैं, इसे पॉलीफिनॉलिक बायोमोलिक्यूल्स, इट इज़ ए क्लास ऑफ पॉली, पॉली मीन्स मेनी, फिनॉलिक मीन्स फिनॉल ग्रुप, बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है ना। और इसका यूज कर दैट बाइंड टू एंड प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स एंड वेरी अदर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों क्या करना है, जो एनिमल हाइड्स जो होते हैं जिससे हम लेदर बनाते हैं और कोलाइडल इन नेचर, उनका नेचर कैसा होता है, कोलाइडल होता है। और वेन हाइड विच इज पॉजिटिवली चार्ज, जो एनिमल हाइड है जो कि पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको जब आप टैनिन के साथ सोक्ड करोगे, उसमें डालोगे, तो विच टैनिन में क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगा, ठीक है ना। टैनिन एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वहाँ पर
हम धीरे धीरे इसके चार्ज को डिस्चार्ज करते हैं और वो हार्डन होने लगता है। आगे बस समझ में, वो प्रेसिपिटेट का रूप वहाँ पर ले लेगा और पर डिपॉजिट होने लगेगा। आगे बात समझ में, तो टैनिंग, टैनिंग इट्स ए प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लेदर, जहाँ पे हम टैनिंग एक सब्सटेंस है जो पॉलीफिनोलिक बायोमोलिक्यूल्स है या बिटर टेस्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं लेदर को, या एनिमल हाइड्स जो कोलाइडल इन नेचर होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको हार्डन करने के लिए। क्रोमियम सॉल्ट आर ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ टैनिंग, टैनिंग की जगह पर क्रोमियम सॉल्ट का भी यूज होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना चाहिए कि विच मेटल सॉल्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ टैनिंग, दैट इज द क्रोमियम सॉल्ट। ओके, क्लिनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप, आपने पढ़ रखा है डिटर्जेंट और सोप में मिसेल का फॉर्मेशन होता है, तो कहीं ना कहीं आपको कोलाइडल पार्टिकल की तरह ही है। फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स जो होता है वहाँ पर आपको इसके जो होता है, एक्चुअली क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स जो होती है उसका प्रिपरेशन जो होता है बाई कोटिंग एंड इमल्सन ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलेटिन ओवर ग्लास प्लेट्स, यानी जो ग्लास का प्लेट होता है उसके ऊपर हम किसका यूज करते हैं, लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड और जिलेटिन के इमुलसन का यूज करते हैं, ठीक है ना। रबर इंडस्ट्री में यूज होता है, लैटेक्स जो अपने आप में कोलाइडल सॉल्यूशन है जो रबर पार्टिकल्स का है, लैटेक्स आर निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, रबर इज ऑप्टेन, रब कैसे ऑप्टेन होता है, कोगुलेशन ऑफ लैटेक्स से, यानी रबर इंडस्ट्री में रबर का फॉर्मेशन हो रहा है, रबर का फॉर्मेशन कैसे होगा, लैटेक्स से होगा, और लैटेक्स जो निगेटिवली चार्ज है उसका कोगुलेशन करना है, कोगुलेशन करने के लिए आप किस तरह के पार्टिकल यूज करोगे, ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का यूज करोगे। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट सीमेंट इट इज ऑल आर कोलाइडल सॉल्यूशंस, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हमारे पास बहुत सारे आते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स, पेंट्स इंक सिंथेटिक प्लास्टिक, बच्चों ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कोलाइडल है नेचर में। तो अब तक हमने बच्चों कोलाइडल या कोलाइडल पार्टिकल्स सोल पार्टिकल्स का एप्लीकेशन भी पढ़ लिया, बहुत सारी जगह एप्लीकेशन आपको जनरली याद रखना है। नाउ द लास्ट टर्म ऑफ दिस चैप्टर इज कॉल्ड इम्यूलसन, सबसे पहली बात इम्यूलसन क्या है, तो ये भी एक तरह का कोलाइडल सिस्टम है जहाँ लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम होता है, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम भी आपका लिक्विड होगा और डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होगा। इफ अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल और पार्शियली इमिसिबल लिक्विड इज सेक, एंड दो लिक्विड को लेकर सेक कीजिए, अ कोर्स डिस्पर्सन ऑफ वन लिक्विड इन द अदर इज ऑब्टेन विच इज कॉल्ड इम्यूलसन। तो ऑब्वियसली चाहे वो कम्प्लीटली मिसिबल हो या इमिसिबल हो, तो आप ले लीजिए, दोनों को सेक करिए, तो जो आपको सॉल्यूशन ऑब्टेंड होगा दैट इज कॉल्ड इम्यूलसन। दो तरह के हो सकते हैं इम्यूलसन, एक होता है ऑयल डिस्पर्स इन वाटर ओ बाई डब्ल्यू टाइप, ओ बाई डब्ल्यू मीन्स ओ पहले लिखा गया ऑयल, डब्ल्यू बाद में लिखा गया, तो वाटर, तो ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, यानी डिस्पर्स फेज क्या है आपको, यहाँ पर डिस्पर्स फेज है आपका ऑयल और डिस्पर्सन मीडियम है वाटर, वाटर डिस्पर्सन ऑयल डब्ल्यू बाई ओ टाइप। एग्जाम्पल देख लीजिए, बटर एंड क्रीम इस टाइप का है और मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम इस टाइप का है, ओ बाई डब्ल्यू। ओके, ये एग्जाम्पल याद रखना होगा आपको। फॉर स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ इम्यूलसन अ थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड इम्यूलसिफाइंग एजेंट इज यूजली एडेड, बच्चों अगर इम्यूलसन को स्टेबल करना है तो उसके लिए एक बाहर से एजेंट डालना पड़ता है जिसको हम लोग इम्यूलसिफाइंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो प्रिंसिपल इम्यूलसिफाइंग एजेंट कौन कौन से हैं, अगर आपको ऑयल एंड वाटर इम्यूलसन करना है, यानी कि ऑयल आपका डिस्पर्स फेज है और वाटर डिस्पर्सन मीडियम में, तो उस समय अगर इम्यूलसिफाइंग एजेंट के रूप में आप प्रोटीन गम्स नेचुरल सिंथेटिक सोप का यूज कर सकते हो, अगर वाटर ऑयल का है तो आपको हैवी मेटल सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स लॉन्ग चेन अल्कोहल या लैम्प ब्लैक इनका यूज़ करना होगा। तो दीज आर द मटेरियल्स विच आर यूज एज इम्यूलसिफाइंग एजेंट, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इम्यूलसन कि वो ओ बाई डब्ल्यू है या डब्ल्यू बाई ओ है। ओके, नाउ सी हियर, ऑयल इन वाटर, ये वाटर आपको है और ऑयल के ये पार्टिकल्स है, वाटर इन ऑयल, अब यहाँ देख लीजिए ब्लू कलर, यहाँ पे येलो कलर में आपको क्या था, ऑयल था, यहाँ पे येलो कलर में आपको ऑयल है, वाटर के ब्लू कलर से, ठीक है ना। अब बच्चों अगर इम्यूलसन को ब्रोकन करना हो, डिमल्सिफाई करना हो इसको बोलते हैं, तो इम्यूलसन कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स बाय हीटिंग, हीट करके, फ्रीजिंग करके, या सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, ये थ्री डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके द्वारा इम्यूलसन कैन बी ब्रोकन, इसको डीमल्सिफाइंग भी कर सकते हैं आप। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर,
क्वेश्चंस आर व्हाट आर इमल्सन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, गिव एग्जांपल, गिव फोर यूजेज ऑफ इमल्सन, व्हाट इज डीमल्सिफिकेशन, नेम टू डीमल्सिफायर, एक्सप्लेन द टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल, कौन कौन से टर्म है, अल्कोसोल्स, एरोसोल्स, हाइड्रोसोल्स, व्हाट इज एसेंशियल टू वॉश द प्रेसिपिटेट विद वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वान्टिटिवली. Okay, so these are the five questions you have to solve. Now this is the end of chapter surface chemistry. We have completed this chapter today. I hope all of you have got the ideas what we learn in this chapter. So it is very important that you go through each and every topic, and I will give you notes for this chapter in very short. बच्चों इसको जितना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ना चाहें, आप दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप करें, इस चैप्टर से एटलीस्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. सो माई नेक्स्ट वीडियो, माई नेक्स्ट सेशन विल बी रिलेटेड टू द लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस MCQs एंड assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. सो द नेक्स्ट चैप्टर इज क्वेश्चन आंसर डिस्कशन. सो आई हैव गिवन ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम NCERT बुक टू यू in my different sessions, so I think you have already completed all the topics. If there is any doubt in any questions, you can write in the comment section for the in Google Classroom also. So once again, thanks to you all, thanks for watching my videos, log into my blog where you can get all my videos. Okay.